की नगर सेवी का। मैं सारे लोगों से गुजारिश करूंगा के सिवा मुमरा के गांव देवी इलाके में पानी की टंकी का उद्घाटन कुछ दिनों पहले ही हुआ था। इलाके में पानी की किल्लत भी काफी हद तक दूर हो चुकी है, मगर इसी संदर्भ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र भाट का सम्मान सत्कार किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन नजमुद्दीन मलिक, चांद कुरैशी, फिरोज शेख, पल्लवी शिवा जगताप के तरफ से किया गया था। आपको बता दें कि पानी की किल्लत अभी भी गांव देवी इलाके में लगभग 25% तक बनी हुई है, मगर पानी पुरोठा विभाग के अधिकारियों के अनुसार 20 से 25 दिनों में भी ये काम पूरा कर लिया जाएगा। नजमुद्दीन भाई, आज यहां पर सत्कार समारोह रखा गया था, गांव देवी इलाके में पानी की टंकी बनाई गई, उसी सिलसिले में क्या कहेंगे इस मौके पर आप? ऐसा था कि ये हिल साइड पे जो है ना 30% मुमरा की आबादी है, लेकिन यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम था, प्रेशर नहीं आता था। ये टाकी नीचे थी, दो दो तीन तीन मोटर के बाद में भी प्रेशर नहीं आता था। तो हम लोग बहुत दिनों से मांग करते थे आवार साहब से कि आप आए हो तो ये पानी का प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो उन्होंने ये ऊपर दो टाकी पास कराई गांव देवी में, एक शिवाजी नगर में, जिससे कि पानी का प्रेशर ढलान पे हो गया ना, अभी तो प्रेशर बहुत बढ़ गया। इसके लिए ये स्वागत समारोह, ये लोग जो पानी माफिया नहीं थे वो हालात के वजह से ऐसे हालात बन गए थे कि काम चलाने के लिए तीन तीन मोटर कौन चालू करेगा रात के 2 बजे, मेंटेनेंस जितना होता था, इलेक्ट्रिक बिल्स आते थे, तो पानी माफिया नहीं दो पानी बेचते थे, माफिया नाम की चीज ही नहीं। लेकिन मुझे खुशी है कि आवार साहब ने सोचा तो सबसे पहले गरीबों के लिए सोचा, और उन्होंने पहाड़ पे पहले लोगों को पानी की जो समस्या थी वो हमेशा के लिए दूर की। आवार साहब पानी की टाकी लाने के लिए, सम पम्प हाउस योजना मुमरा में लाने के लिए जरिया है, लेकिन काम करने के लिए वो उसके लिए मसीहा भी बने, क्योंकि जब काम बीच में रुका था, दो महीने पहले जब काम रुका था, तभी अधिकारी लोग और हम सब आवार साहब के पास गए थे और उनको बोला साहब निधि नहीं है, ऐसा महापालिका से कहा गया है, तो अभी काम रुक रहा है, क्या करेंगे। उस वक्त आवार साहब ने बोला काम रुकना नहीं चाहिए, लोगों को पानी मिलना चाहिए। मैंने लोगों को वचन दिया कि आपको पानी मिलेगा, जो लगेगा आप मेरे से लेके जाओ। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार और हम सब खुद को नसीबवान मानते हैं कि आवार साहब यहाँ के आमदार हैं और उन्होंने हमारे लिए पानी की व्यवस्था की है। ऐसा है कि अभी हमारे आमदार साहब ने बताया है कि 1 महीने के अंदर पूरा पानी का मसला हल हो जाएगा। अभी 70% निर्माण में तुम लोग वहाँ रहते हैं, आपको खुदा मालूम है, फिरोज भाई वहाँ पर रहते हैं, तो 70% कुछ पानी का मसला हल हुआ। वो भी ऐसा हुआ कि कुछ हमारी लाइन थी, चांद भाई की हमारी लाइन थी, वो लाइन हम लोग पहले चलाते थे 25 साल से 20 साल से, हम लोग जब से आबादी बसी जब से हस्तान लेकर हम लोग लाइन भी चलाते हैं। वहाँ पे कॉरपोरेशन ने किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, कोई तवज्जो नहीं दिया था। नगर सेवक आए, आमदार आए, खासदार आए, सब बोलते गए, अगर ये आमदार खासदार पहले ये काम करते थे तो ये मसला इतने दिन तक ही नहीं चलता था, ये मसला इतने दिन तक ही चलता नहीं था। है माफिया के बाद तो पानी तो हमने वहाँ पे लोगों के तक तकलीफ थी का पहुँचाए हैं। अगर हम लोग वहाँ पानी नहीं पहुँचाते थे ना तो आबादी की कोई कीमत नहीं थी, उसका वारिसदारी नहीं था एकदम से। तो इसके वजह से कोई माफिया की पूरा सवाल तो है नहीं इसके अंदर, और नगर सेवकों ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए, आमदार साहब ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिए। यानी कि जो पानी पहुँचा वो मुआवजा लिया, कहते हैं 3 मोटर थी चलाने के लिए, अब वो 3 मोटर चालू करना, उसका मेंटेनेंस देखना, फिर आदमी लोग को उसको काम धंधे पे लगाना, वाटर सिस्टम घुमाना, अभी वो सब चला था। अभी ऐसा हुआ कॉर्पोरेशन ने कि हमारी जो लाइन थी जो लेने चली थी पहले, उसी लाइन के अंदर लेके कनेक्शन डाल दिए गए। अब बोले अभी थोड़ी देर के लिए टेम्पोरी बोले हम उसको चलाएंगे, उसके बाद में बोले हम लोग गली गली के अंदर हमारी लाइन को डालेंगे। तो हमें 1 महीने का टाइमिंग दिया है साहब ने, बोले 1 महीने के अंदर घर घर में पानी पहुँच जाएगा। हम तो चाहते हैं, हमको वहाँ के रहवासी है, हम चाहते हैं हमको भी वहाँ पर पानी अच्छे से मिल जाए, ताकि हमारे धो पट्टी हमारे इलाके की एकदम से तरक्की हो जाए करके। इसके लिए हम लोग हमारे आवार साहब का, हमारे कॉर्पोरेशन का धन्यवाद करते हैं। पहले तो जो पानी की समस्या थी, तो पानी एक तो पहले आता ही नहीं था, और आता था तो प्रेशर इतना कम होता था कि बहुत टाइम लगता था। तो एक्चुअली नीचे से पानी ऊपर चढ़ाना पड़ता था, 3-3 मोटर लगती थी। तो अब ऊपर ही आवार साहब ने जो 5 लाख लीटर की टाकी जो गांव देवी परिसर में बनाई, तो उसकी वजह से लोगों को प्रेशर आ रहा है और अच्छे से पानी जो है सबको घर घर में मिल रहा है। कुछ थोड़ी बहुत 10% जो है बाकी है, वो भी 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह हो जाएगा। तो इसीलिए सब लोगों का कहना था गांव देवी, सम्राट नगर और ऊपर के जो डोंगर परिसर है, कि आवार साहब का जो है सत्कार रखा जाए इस काम के लिए,
तो हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से व्हाट्सएप का सत्कार रखा गया, लोगों की तरफ से भी, कि लोग बहुत खुश है। तो लोगों ने कहा कि ये जो बहुत बड़ा काम हुआ है लोगों का, जो सहूलत है, बेसिक जो नीड्स है लोगों की पानी की, वो अवार्ड साहब ने जो है पूरी की है। तो इसीलिए सबने खुशी से अवार्ड साहब का जो है सत्कार किया।